कोविड-19 नियमों और माननीय हाईकोर्ट के आदेश अनुसार आज मिनी लॉकडाउन और मुहर्रम के ताजियों को लेकर जारी की गई गाइडलाइन का पालन कराने के लिए SPCT की अगुवाई में सिविल लाइन के साथ साथ शहर के कई हिस्सों में फ्लैग मार्च किया गया। दरअसल देश और प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। आगे देश की बात करें तो आज हमारे देश में 36 लाख से भी अधिक कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हो गई है। वहीं कोरोना संक्रमित मरीजों के मरने वालों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हो रहा है, जिसके चलते केंद्र सरकार ने भीड़ को देखते हुए गाइडलाइन जारी की हुई है, जिससे कि कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाई जा सके। लेकिन आज मुहर्रम के मद्देनजर उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए किसी भी प्रकार के जुलूस पर पूर्णतः पाबंदी लगाई है। हाई कोर्ट की गाइडलाइन को अमली जामा पहनाने और शांति सुरक्षा के लिए मुरादाबाद पुलिस ने कमर कसते हुए शहर की घनी बस्तियों में भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला, जिसकी अगुवाई SPCT अमित आनंद के द्वारा की गई। कोविड-19 के दृष्टिगत हमें बहुत जरूरी है कि जो सरकार के द्वारा दिशा निर्देश है, अपने स्वास्थ्य के बचाव के लिए हम उसका पूर्ण रूप से पालन करें। सैनिटाइजर और साबुन का लगातार प्रयोग करें, मास्क पहने और कहीं भी भीड़भाड़ वाली एरिया से बचे तो बच्चे की एक दूसरे से बनाए रखें। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे कि भीड़ जमा हो। इसी के दृष्टिगत पूर्व में सभी सम्मानित लोगों के साथ मीटिंग भी की गई थी। यहाँ मुरादाबाद की पब्लिक ने लगातार सहयोग किया है कोरोना के दृष्टिगत, जो हमें सावधानियाँ बरतनी है, और इस बार भी लोगों ने सहयोग देने का पूर्ण आश्वासन दिया है। इसलिए कोई भी किसी भी तरह का जुलूस बनाई है, सभी लोगों ने सहयोग देना स्वागत किया है। आज हम फोर्स के साथ यहाँ पे रूट मार्च कर रहे हैं, लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं।